छठ पूजा इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे वीडियो में पता चलने वाला है आपको। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो माय नेम इज आदि गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम गाजीपुर। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं छठ पूजा से, एक दिन पहले उस बाजार से जहाँ मैं छठ पूजा के लिए प्रसाद लेने गया था। और मैं जहाँ गया था छठ पूजा मनाने के लिए वहाँ से बिहार थोड़ी ही दूरी पर था, तो बाइक लिए और चल दिए बिहार। और बिहार के बाजार में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लोगों में छठ पूजा को लेकर उतना ही जोश भी था और उत्साह भी था। और बिहार के उस दिन बाजार में सब्जी वाली जगह पूरे फलों से सजा हुआ था, जहाँ से लोग अपने घरों के लिए फल ले रहे थे। और वहाँ से घूमने के बाद हम लोग आ गए अपने घर। सुबह छठ पूजा घाट कैसा दिख रहा था, सभी लोगों ने अपना घाट पूरा अच्छे से बना रखा था। यहाँ पे छठ की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और शाम को छठ के लिए सब निकलेंगे पूजा करने के लिए, और हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ घर। अब शाम को हम लोग निकल गए सर पे फलों से भरा थार लेकर छठ घाट की तरफ। गंगा जी के घाट के किनारे पहुंचने पे मैंने देखा कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग आ चुके हैं। इधर उधर अभी देख ही रहा था कि मेरी नज़र कभी एक महिला पड़ी, तो मैंने वीडियो बना लिया। तो साष्टांग प्रणाम करते हुए गंगा घाट पे आई थी। और फिर मैंने ये देखा कि छठ को त्यौहार नहीं बल्कि मौसम कहते हैं, क्योंकि यहाँ छठ पूजा मनाने के लिए दूर दूर से जो बड़े बड़े शहरों में काम करने गए थे वो लोग भी आए हुए थे अपने परिवार के साथ, बहुत ही हैप्पी थे, अपने बच्चों के साथ हैप्पी थे। धीरे धीरे अब शाम हो चुका था और सारे लोग सूर्यास्त का वेट कर रहे थे ताकि सूर्यास्त हो और अर्घ दिया जाए, और अर्घ देने के बाद सभी लोग अपने घर जाए। अर्घ देने के बाद सभी लोग अब अपने घर की तरफ चल दिए, और मैं भी अब आपको सीधे सुबह वाली पूजा में लेके चलता हूँ। और सुबह में घाट पर पहुँचते समय बहुत सारी मस्तियाँ हुई, और जितने भी लोग थे वहाँ पे अब सूर्यदेव के उदय होने का वेट कर रहे थे ताकि फिर से अर्घ दिया जाए। और उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने पटाखे छोड़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा आज हाथ आजमा लूँ। मैंने भी थोड़ी सी पटाखे फोड़ी अब सभी का इंतजार खत्म होने वाला था। सूर्य की लाल किरणें उनकी लालिमा दिखने लगी थी, और उस टाइम सभी के मन में सिर्फ यही गाना चलता है। धीरे धीरे सूर्यदेव भी दिखने लगे थे, और सभी लोग अब अर्घ देने के लिए गंगा जी के पास चले गए। और वहां पे अर्घ देने के बाद सभी लोग थोड़ी सी देर वहाँ पर बातें वाते किए, प्रसाद लिए, उसके बाद सभी लोग अपने घर की तरफ चले गए। और आज की वीडियो बस यहीं तक। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें